नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट और सीबीटी 2 एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सारा चीज़ डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपका फाइनल स्कोर कार्ड कब तक आएगा, आपका मास्टर क्वेश्चन विथ आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, आपके सीबीटी 1 का रिजल्ट के प्रोसेसिंग में कितने समय लग सकते हैं। दोस्तों आप लोग के पता ही है कि आरआरबी ने आंसर की 16 अगस्त को जारी किया गया था और 18 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का डेट दिया गया था जो कि अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों आशा करते हैं कि इसके बीच में जो भी आपके शिफ्ट में डाउटफुल क्वेश्चन होंगे, जो गलत होंगे, उसमें ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे। दोस्तों ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में आरआरबी का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपको रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा। दोस्तों आप लोग के पता है कि आरआरबी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है जो लेकर एक से लेकर के 7 फेजों में एग्ज़ाम हुआ है और एक लंबे समय तक एग्ज़ाम चला था। इसमें नंबर ऑफ शिफ्टों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे कि लगभग हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन एक गलत निकल रहा था और ऐसे कंडीशन में लगभग हर शिफ्ट में ऑब्जेक्शन कैंडिडेट रेज किए होंगे, तो इन सारे शिफ्टों को एवेल्युएट करने में टाइम लग सकता है। तो दोस्तों मान के चलते आरआरबी को इन सारे ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह से क्लेरिफाई करने और अपना डिसीजन लेने में आपके कम से कम 12 से 15 दिन लग ही जाएंगे, इससे ज़्यादा ही लग सकते हैं, 20 दिन तक, मैक्सिमम 20 दिन तक आपको लग सकते हैं। तो दोस्तों आरआरबी सीबीटी 1 के रिजल्ट की बात कहें तो आपको 12 से लेकर के 15 सितंबर के आसपास में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरआरबी मास्टर क्वेश्चन विद आंसर की और फाइनल आंसर की कब तक जारी कर सकता है। दोस्तों आप लोग बता दें कि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है आरआरबी के, जब सीबीटी 1 का रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है उसके साथ में एक नोटिस प्रकाशित किया जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि आप मास्टर क्वेश्चन विद आंसर की देख सकते हैं, उसमें ही आपको लिंक आ जाएगा कि आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना है और फाइनल मार्क्स कितना है। दोस्तों आपका रिवाइज आंसर की नहीं आने वाला है, आपको जब भी जारी किया जाएगा तो फाइनल मास्टर आंसर की साथ में आपको फाइनल स्कोर कार्ड भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। दोस्तों आप लोग के बता दिए कि जो रिजल्ट है जो 12 से 15 सितंबर तक आने की संभावना है, दोस्तों उसके 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपको सीबीटी 2 के एग्ज़ाम को नोटिस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आरआरबी का पिछला रिकॉर्ड रहा है कि जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है उसके एक सप्ताह के अंदर में, कभी एक दिन के बाद ही, कभी दो दिन के बाद, कभी चार दिन के बाद, यानी मैक्सिमम आपके 5 दिन अभी टाइम लिए हैं, लेकिन हम चलते हैं कि आपका एक सप्ताह के अंदर अंदर तक आपका अगर सीबीटी 2 का नोटिस आ जाता है तो लगभग आपके देखें तो 20 से 22 सितंबर के आसपास में आपको नोटिस आते हैं, तो आपके उस नोटिस से आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय और दिया जाएगा, क्योंकि इसी बीच में आपका सिटी इंटीमेशन का नोटिस देना होता है और सिटी इंटीमेशन होता है वो आपको एग्ज़ाम से 8 दिन पहले होता है। तो दोस्तों 8 दिन तो पहले आपका सिटी इंटीमेशन आ गया और सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद में आपको कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, यानी 15 8 आपको 23 दिन इधर से ही लग गए और 8 दिन बाद आपका सिटी इंटीमेशन के बाद में पेपर होगा, यानी 23 और 8 31 दिन, यानी पूरे महीने लग जाएंगे। तो दोस्तों सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट की बात कहें तो आपको अक्टूबर 3rd वीक में आपको देखने को 100% मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर मंथ में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो आरआरबी कैसे सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। दोस्तों ऐसा संभव है कि आरआरबी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और एसएससी एमटीएस का भी कंडक्ट हो, क्योंकि पिछला बार देखा गया था जब जेई का एग्ज़ाम हो रहा था उस समय एसएससी का भी टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी अलग अलग सेंटरों पर, वही आरआरबी एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवा रही थी, क्योंकि जो टीसीएस संस्था है वही बहुत ही बड़ी संस्था है और उनके सेंटर की कमी नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा से चांस है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जो 15 से लेकर के 20 अक्टूबर के आसपास में आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड किया गया है, कट ऑफ का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसके आसपास में आपका भैरी कर रहा है तो आप जाकर के सीबीटी 2 के तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है और यही लास्ट मौका है कि आप रेलवे में अपना सर्विस पक्का कर पाएंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और कंपटीशन उतना ही बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है 2019 का है, अब नया वैकेंसी आएगा उसमें आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन और कितना बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे होंगे, ग्रुप कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।